हेलो बोल आशकी में ये हाल हो जाता है, बड़े बड़े बर्बाद हो गए, घरों के घेर हो गए, लेकिन ये बंदा आज भी नहीं मान रहा। अमन भाई क्या कर सकते हैं, दोस्तों देख रहे हो, इसलिए आप लोग भी आशकी से दूर रहें, वरना ऐसा हाल हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड, आज खून से खेलोगे, थोड़ा कंटेंट दे दे ना। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि संडे को शूट है, एक संडे को, आज क्या वार है? हाँ शनिवार है, तो शनिवार कल है। हाँ कल वो नहीं पाएगा बड़े भाई हैं, वो नहीं पाएगा। अरे कल लो यार, तुम्हें हीरो पर बोल दे रहे हैं यार। ना, मेरा थोड़ा यार कल की मामा की लड़की की शादी है, तो आज तो कीमत भाई दिक्कत हो गई यार, ये तो तुमने उल्टी बात कर दी भाई। यार ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं, देखो कल हमारा शूट है, तुम्हारे नाम के बंदे इकट्ठे कर रहे हैं यार, मिल नहीं रहा कोई, सब भाव है। अरे समझ नहीं आ रही भाई। अरे अमन भाई यार तुम्हारा मैटर समझ नहीं आता, कभी तुम फॉर्च्यूनर से बेल्ट बांधते हुए निकलते हो, कभी तुम गाड़ी में पड़े होते हो। कोई बात नहीं, मैं बग दूंगा, सुन तो ले नहीं भाई, हमारी समझ से बाहर है यार। अमन भाई का क्या ही मैटर है, गलत है यार लड़का, इसे दोस्ती ख़त्म करनी पड़ेगी। देखते हैं, प्रॉब्लम मेरे ऐसी, कल है हमारा शूट के लिए हमें चाहिए बंदे, थोड़ा रॉबिन हुड डॉन वाला सॉन्ग हम शूट कर रहे हैं। क्या होता है यार, इसका एक भी छोड़ बिना गाली करने आ रहा। बिरयानी ठीक की ठीक कर देगी पेट, अब कल खिला दो। ओहो तुरंत ही वापस मार, मैं बैकग्राउंड तगड़ा ही ले रहे हो गुरु, जोड़ी आ रहा क्या हो भाई, दस्त दस्त हो गए तेरे को सुनने में। अबे साले कल गए एक जगह चिकन खाने के लिए, वहाँ कच्ची क्रीम और कच्चा चिकन खिलवा दिया इन नंदे इस आदमी ने। अरे साले सुबह सुबह दस्त लग गए, मैंने खिलवाया, तूने बोला था वही खाइए, तो मुझे उनने जल्दबाजी में क्रीम भी कच्ची रख के करके, मीट भी कच्चा उसमें सेका भी ना सही से, मना कर दिया यार। तो खा रहे थे मैंने जल्दी, ठीक है। एक तो यार ये लोग चिकन खाते हैं, ऊपर से लोग कच्चा चिकन खा गए यार, तो सुबह सुबह दस्त लग गए यार, दस्त लग गए भाई ने, पर ठीक हो जाएंगे, बिरयानी खिला दे। मैं कह रहा हूं खिलवा दो, हो जाएगा। तू मुझे क्या कह रहा भाई, मैं खाती कितना हूं, देखा नहीं तूने इतनी सी, इतनी सी खा लूं मैं, एक किलो ले लेते दोनों तीनों भाई। नहीं भाई मैंने तो चिकन खाना बंद कर दिया ना, तू तो चावल खा लियो, चावल चुक लिया उसमें से। हाँ वेज खाने चलता हो, चल वेज बिरयानी भाई, बिरयानी है तू बोल रहा था, ले चावल नाम बिरयानी नहीं कहते उसे, 40 की भी बिरयानी लपेट दी, बहुत ही बुरी लगी तेरी कसम, लपेट तो दी पर वो तो भूखा आदमी छोड़ता नहीं है, ये ना छोड़ता, भूखा आदमी कुछ भी खा लेता। चल भाई लोने भाई, लेकिन बिरयानी तो देता है वो आईटीएस पे, उसकी जो बिरयानी देता है महानगर वाला वो, हाँ वो लगता है कि रियल बिरयानी है भाई। लाओ फिर चलो, घर के कपड़ों में सो रहा है, चलो सोन दो भाई, हाँ जी चला फिर, चला फिर इधर कपड़े वपड़े फट जाएंगे, वहां मैं नहीं जा सकता, कपड़े भी फट जाएंगे। एक बार हो गया, देख लिया, एक बार ये कह दो सिस्टम तो तेरे पर पड़ रहा। अरे तू वहां की स्नैप बना रहा था, क्या भेज रहा था मुझे वहां से, ना टैन तो सही में अपने पे डालूंगा भाई, उनको पहन तो भाई। अरे यार अमन की चप्पल बहुत सेक्सी लग रही है भाई, ये कहाँ से लाए उसे, इनको लुई विटोन, अमन भाई की लुई विटोन की स्लीपर्स, क्या बात है देख रहे हो, अपने तो जो पहन ले अपना ट्रेंड हो जाता है, तुम्हें जो अपने जो पहन ले वो ट्रेंड हो जाता है। ना चेहरा दिखाना चाह रहा है, बिल्कुल भी नहीं कोई बात नहीं भाई, व्लॉग में से निकाल लेना से तुम, अब चप्पल दी
दिखा एस्थेटिक वो दे दे फोटो ले, तो यार अमन के आपको पता ही है अमन के काम थोड़े ऐसे ही रहते हैं। चप्पल देख रहे हो मतलब लुई विटोन की स्लीपर से भाई इंपोर्ट कराई, कहाँ से कराई? इटली से इटली से नहीं आई। ओके ठीक है, तो साहिल भाई जा रहे हो आप, क्या करना भाई बताएंगे भाई, बिरयानी खिला के लाते हैं, बिरयानी खिला के चलो ना भाई, अंडे की रेट आ जाएंगे बाद में। ट्यूजडे का दिन मैंने कहा बिरयानी नहीं तो ट्यूजडे आज नहीं खाएंगे, तो कह रहा वेज खिलवा दो, वेज खिलवा दी भाई को 40 रुपए की है ना। अगले दिन कह रहा भाई आज चिकन खा सकते, तुम्हें चिकन बिरयानी खिलवा दे, तो क्या गलत कह दिया, खिलाऊं तुझे मैं तो भाई वैरायटी अलग अलग होगी ना, बहुत होते हैं 40 रुपए। मैं तो ये कह रहा था कि तुम 40 रुपए बहुत होते हैं, तूने भी तो खाई, तूने भी तो खाई भाई, इनने पूरी लपेट दी, इनने एक बार भी नहीं बोला भाई खाएगा आधी, लपेट रही पूरी 40 की, अच्छी नहीं लग रही, पेट में दर्द भी हो गया, फिर भी नहीं छोड़ा। कल 60 रुपए की ना आइसक्रीम खरीदी, एक चम्मच भी ना दी, दोस्तों का प्यार होता है ये, भाई कट्ठे पे क्या कहना चाहोगे, लीचड़ बीचड़ कह रहा है यार तू, भाई मैं हूँ भाई, मैं गलीच गलीच हूँ मैं, एक एक शब्द भाई ने ऐड कर दिया गलीच, तू एक तो आया अपनी उसके सॉन्ग के बारे में बात, गरीब आदमी ज्यादा उछलता है जब उसके पास 5 पैसे आ जाते हैं, अमीर आदमी वही है जिसके पास हमेशा से पैसा है, वो नहीं उसे पता है पैसों की कदर, उसे पता है कि आदमी को आदमी समझा जाए, सही है कोई बात नहीं, पैसा तो आता जाता है, पर आपके साथ ऐसा क्या ब्याह वाक्य हो गया, क्या हो गया? अरे 10 रुपए की नमकीन की बैग और खट्टा मीठा नमकीन भुजिया भी ना, आलू भुजिया भी होती तो समझता मैं, खट्टा मीठा नमकीन पे अपनी औकात दिखा दी, पसंद तो है ही ना वो किसी को भी, लेकिन लौंडा तो है ही, पिटेंगे उसे अपोजिट में रखेंगे, तुमसे तो दहपट लगाएंगे, तुम तो भाई हीरो की साइड हो ना, उसको रखेंगे अपोजिशन में, भाई ब्लॉग में देखेगा मत डालिए, वो नाम नहीं बताएंगे ना, मेहनत ही क्यों करेगा, साइकिल चलाएगा, खोल दो एक बेइज्जती भाई, तुम्हारी बेइज्जती नहीं, मैं तुम्हारे लिए बोलने वाला हूँ कि वर्टस भी ना लेते, खर्चे की बात कर रहा भाई, तो भाई तुम स्विफ्ट पे जा सकते थे, इतनी महंगी गाड़ी क्यों नहीं 12 लाख की, स्विफ्ट कितने की आती है, स्विफ्ट भी ऐसी 8 लाख की आ जाती यार भाई, कितने आते, टॉप मॉडल था, टॉप मॉडल मॉडिफाई होती है, अगर तुम बेस भी लेते तो मॉडिफाई की बात नहीं है, सुन ये मुझे ये कह रहा है कि 12 लाख की मैंने बलिनो इसलिए ली कि उसमें खर्चे नहीं है उतने जितने वर्टस में है, मैं मतलब 12 लाख की वर्टस लेता, खर्चा करने हो ना आप दम रख रहे हो, इतनी हिम्मत कर रहे हो कि मैं खर्चा करूँ, तो आप फिर ऐसा सोचोगे भी कि मैं उतना कमाऊँ उतना सेव करूँ, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी, तूने मुझे क्यों ले की गरीबी में जीना है, गरीबी रहो, साइकिल ले लो आदमी को, गरीबी याद दिला दी, मैंने गाड़ी ली कैंसिल कर, तेरा भाई बिजली बेचने तेरे तो लोन लेगा आगे, उसके अरविंद राव तेरे आगे भैया को भैया आए दुबई से, भैया दुबई से आए हैं, भैया को लेना है, भैया आए हमारे दुबई से, इंडिकेट नहीं दे रहा है, नहीं मेरे को रुकेगा भी नहीं, घुमा तो रहा था इनने, फिर बोला सामने से निकाल लो, कैसे निकाल, तो भैया कैसी रही आपकी दुबई की ट्रिप, कैसी रही? बहुत बढ़िया, झक्कास, सही था ना, हाँ हेलीकॉप्टर से कूद गया था, हेलीकॉप्टर से कूद ही गए, अरे क्यों ऐसा क्यों, इतना बड़ा स्टंट क्यों मारा, सेफ्टी से मारा, ऐसी मार लिया, मजा आता भाई, और बुर्ज खलीफा में गए फिर? अरे भाई नहीं कूदने नहीं है, तो हमारे जो भैया हैं ये गए थे दुबई किसी काम से, तो अभी आ गए हैं, बस हम इनको पिकअप करके घर जा रहे हैं, अब मिलते हैं बाद में, ओके कोई
चोरी पखंड जितना करना बेचना खरीदना जो करना है करो, मेरे को सारा काम कराओ, मेरा यही होने वाला, सबको पता है यार, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, उसको कुछ नहीं होने वाला, सब जानते हैं, फिर भी वोट देना चाहते हैं बिना रेफरेंस ना होता कुछ भी। आजकल जॉब तो गवर्नमेंट में बची कितनी है, गिनती में बची है आज के टाइम में, गवर्नमेंट जॉब तो पहले से बहुत बड़ी वैल्यू हो गई उसकी। अब सही कह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब पहले तो पता चल रहा है गवर्नमेंट जॉब तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सब चीज ठीक है, मैं कर रहा हूं भाई, भगवान की नौकरी है आज के टाइम में तो, ये भगवान ऊपर से ही ब्लेसिंग देके भेजता है, जिन पे ब्लेसिंग है वही सरकारी नौकरी, जो भाई गवर्नमेंट में बैठे मैं काम क्या करता हूँ, काम के नाम पे बस ये रहता है कि तो रियल में जो काम करने के लिए तुमने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई का काम करना है। देख के भी रुकी है मैंने, वो बहुत तेज ला रहा था बलेनो भाई, बलेनो से बच के रहो यार, बलेनो वाले खतरनाक होते हैं भाई, बलेनो वालों की बात ही अलग होती है, खत्म ही कर देते हैं एकदम अपनी गाड़ी सपाट कर देगा, सपाट अपनी गाड़ी, जैसे पता इंस्टाग्राम पर उसको लिखा था मोदी की वीडियो, तो उसके नीचे लिख देता आएगा तो राहुल ही रोड पे, नीचे दो कमेंट पहले लिखते आएगा तो राहुल ही, फिर दूसरा कमेंट रोड पे। हर तरह की हर तरह की कुछ कहानी होती है, तो कुछ कहानी तो होनी चाहिए, हमारी तो कोई हुई नहीं प्रॉब्लम, हमारी तो मौज ही आ रही है, तेरी मौज आ रही है ना, तो तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं होगा, भैया के पास जब अचीवमेंट आएगी तो भैया के पास कहानी तो है सुनाने के लिए, मैं ऐसे गया था, ये दिक्कत हुई थी, मेरे को क्या पता है, तो भैया प्रॉब्लम तो होती है जब काम बनना होता है, हां वो मैंने देखा है, जब फल खाने हैं ना तो भाई कांटे भी चुभेंगे, बिल्कुल चुभने दो, हम खुश हैं फल की खुशी में खुश हैं, ये है गन्ने के जूस वाला, अपन लोग सोच रहे हैं कि गन्ने का जूस ही पी लेते हैं, देखते हो मन भाई गाड़ी की कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी खस्सी है लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया है। घुंगरू बज रहे हैं भाई, अपना गन्ने का जूस आ चुका है, थैंक्स ब्रो, कितना डेढ़ सौ कुल, बोल दिया होगा तुम्हें देर से दस वाले दे दो, सही बन रहा भाई, बढ़िया है, गन्ने का जूस आप भी ट्राई करो, गाड़ी लगा देते हैं थोड़ा साइड में दबा के, थोड़ा स्टाइल में तेरा साइल भाई तुम्हारी सिनेमेटिक एंट्री ले लेता मैं, आए हैं अपन लोग छोले कुलचे खाने, पहले रेडी कर रखी चीजें, भाई जरा आप लोग ये देखो मैंने अभी देखी स्विफ्ट, मैं हैचबैक सेगमेंट में सबसे बढ़िया गाड़ी बताता हूँ, क्योंकि यार इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन ना दिखाई देता है, सिर्फ एक स्पॉइलर लगा हुआ है, कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी यार, हमारे छोले कुलचे रेडी हो गए यार, आप लोग देख सकते हो हमारे आ गए छोले कुलचे, गन्ने का जूस पिया था वो साहिल भाई की तरफ से, और ये खिला रहे हैं अमन भाई, अमन भाई सो काइंड, हां जी तो मैं आ गया हूँ गाजियाबाद से वापस, आप लोगों ने देखा होगा आज अमन और साहिल के साथ हमने कितनी मस्ती की है, तो ऐसा है कि कल हमारा शूट है
मतलब मेरी म्यूजिक वीडियो उसका हम कल शूट करने जा रहे हैं संडे को, तो उसी की भाग दौड़ में लगे हुए थे यार, जुगाड़बाजी में लोग इकट्ठे करने सामान, ये कपड़े शूज इन सब में पूरा दिन निकल गया। तो पूरे दिन की जिद्दोजहद के बाद मैं घर आया हूँ, रात को ऑफिस गया था, फिर सुबह आने के बाद एक घंटा सोया हूँ मैं, फिर गाज़ियाबाद चला गया था, अब आया हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। तो बस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, महंगी चॉकलेट है, पैसे वाले लोग खाते हैं इसे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ टाइम विद यश, और प्लीज़ मैं देख रहा हूँ यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग व्लॉग को देखो, शेयर करो इसे, सिर्फ देखना नहीं है उसको, कमेंट करके बताओ मुझे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ या क्या सही कर रहा हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है, उसको कमेंट करो, उसको शेयर करो, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, पकड़ पकड़ के लोगों के फ़ोनों से सब्सक्राइब करो लाइफ स्टाइल विद यश को, ठीक है। चलो की सब्सक्राइब, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ स्टाइल विद यश, बाय गाइस।